अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सबसे पहले अपना नाम बता दें प्लीज। आसिफ नाम है भाई। आसिफ भाई, आज आपके पास आए हैं, मेरे पास बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि आप एम्पलीफायर वूफर्स दिखाएं, ठीक है, और अच्छी क्वालिटी में जी। आप प्लीज अपनी वैरायटी के बारे में प्लीज बताएं। हमारे पास भाईजन होते हैं, जैपनीज सिस्टम होता है, सारा ये लाट का माल होता है, ठीक है ठीक है, और ओरिजिनल कंडीशन में होता है। अच्छा, दिखाना शुरू करें प्लीज जरा। हमारे पास ये सबसे पहले क्या दिखाएंगे आप? ये अभी जो लेटेस्ट अभी एम्पलीफायर वगैरह जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं, ये इसका ट्रेंड चल रहा है, जो HDMI है, ठीक है ठीक है, सबसे लेटेस्ट मशीन। हाँ, ये जो HDMI है अभी इस टाइम लेटेस्ट यही चल रहे हैं सारे, ठीक है। इसमें ये ब्रांड पड़े हैं, यामा का है, डेनन है, सोनी है, ओंक्यो है, जो जापानीज ब्रांड। हाँ जी, ये सारे जापानीज हैं, ठीक है ठीक है। इनके मतलब फंक्शंस के बारे में कुछ बताएं आप, जैसे ये मेरे सामने ब्लैक इसमें और जो है। ये होते हैं जो ये 5 चैनल होता है, कुछ 7 चैनल होता है, 9 चैनल होता है इसमें, ठीक है, और 5 चैनल जो होता है वो स्मॉल रूम के लिए होता है, जो स्टैंडर्ड साइज होता है आजकल, ठीक है। अगर वो आपके पास बड़ा हॉल है, कोई टीवी लॉन्च है, कोई इस तरह, फिर उसमें 7 चैनल और 9 चैनल इस्तेमाल होता ठीक है, ठीक है। उसमें अगर आप मूवीज में देखते हैं तो वो फिर आपको सिनेमा इफेक्ट उसमें मिलते हैं, ठीक हो गया। अच्छा आसिफ भी, मुझे आप प्राइस के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, मतलब ये साथ साथ मॉडल बताएं और प्राइस बता दें, जैसे ये HDMI में पड़े हुए, ये नीचे जो है ओंक्यो की TXSR की सीरीज पड़ी हुई है, ठीक है। ये जो है ये तकरीबन 15,000 की रेंज में आपको, ठीक है, 15,000 का ये, ठीक है। उसके ऊपर ये जो है यामाहा का पड़ा है, ठीक है, ठीक है। ये डेनन का पड़ा हुआ है, अब ये डेनन की AVR की जो है सीरीज पड़ी हुई है, ये 16,000 का, ठीक है ठीक है। ये मास्टर ऑडियो ट्रू HD है, ठीक है ना, बिल्कुल लेटेस्ट मशीन। हाँ जी, ये लेटेस्ट ट्रू HD मास्टर ऑडियो ही चल रही है, ठीक है, सबसे ज्यादा लेटेस्ट। और आपने ये 16,000 बताया, 16,000, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ऊपर भी AVR इसमें पड़े हुए हैं, जी जी, पाइनियर में पड़े हैं, 4K में पड़े हैं, ठीक है, 4K अल्ट्रा HD में। अच्छा, प्राइस बताते जाए इनकी भी, जो ऊपर जो पड़े हैं ये वाले, ये जो ऊपर पाइनियर के पड़े हैं, ये भी आपको 15,000 की ये मशीन मिलेगी। अच्छा, और उसके बाद जो इससे भी अगर लेटेस्ट में ले आते हैं, फिर ये ओंक्यो के पड़े हुए, ठीक है, ये भी लेटेस्ट मशीन है, ये लेटेस्ट है, ये ओंक्यो के पड़े हैं, ये HDMI मास्टर ऑडियो ट्रू HD। इसमें आप जो डिफरेंस आ जाते हैं, अब ये जो लेटेस्ट सीरीज अभी चल रही है TXNR की सीरीज चल रही है, ठीक है, ये NR की सीरीज में, ठीक है। और इसमें जो आपको 509 मिल जाएगा, 609 मिल जाएगा, ठीक है ठीक है। इनकी प्राइस बता दें प्लीज। 616 TXNR सीरीज में आपको मिल जाएगा, ये पड़े हुए मेरे पास लेटेस्ट पड़े। अच्छा, इनकी प्राइस बताएं फिर नेक्स्ट उस चीज पे। ये जो पड़े हुए ना, ये जो TXNR की जो सीरीज है, ये तकरीबन स्टार्ट होता है 16,000 से, इससे ऊपर फिर जाता है। इसमें जो 609 की जो सीरीज है, ठीक है ठीक है, 20,000 में। अच्छा ठीक है, फिर ये भी पड़े हुए जी। अब ये भी जो NR की सीरीज में पड़ा है, इसके साथ ही ऊपर डेनन का पड़ा है, ये भी मास्टर ऑडियो ट्रू HD है। ये डेनन कितने का है? ये वाला डेनन का ये 16,000 रुपए, ठीक है, 16,000। ये सब लेटेस्ट आप दिखा रहे हैं, सारे लेटेस्ट। इससे कम प्राइस में भी है आपके पास? कम प्राइस में, फिर इससे जो कम प्राइस आ जाती है वो फिर DTS में आ जाती है, वो दिखाएं आप कम प्राइस DTS, क्योंकि वैरायटी तो माशाल्लाह बहुत बड़ी हुई आपकी शॉप बड़ी हुई है। देखिए, ये बड़े हुए यामा का ब्रांड है पड़ा हुआ है, इसमें ओंक्यो का ब्रांड है, ठीक है ठीक है। इसमें ये वाला बता रहे हैं? हाँ जी, यामा, ये प्रोलॉजिक में आ जाता है, ये DTS पड़ा हुआ है, ठीक है ठीक है। और इतना खास फर्क नहीं होता DTS और प्रोलॉजिक में, सिर्फ डिजिटल कार्ड का थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक हो गया। अच्छा, इसकी प्राइस रेंज? ये जो यामा पड़ा हुआ है, ये प्राइस रेंज इसकी ये मिलेगा 11,000 रुपए का, ठीक है। और ये वाला, ये नीचे पड़ा हुआ है, ये 10,000 रुपए का, ठीक है, 10,000। हाँ जी, अच्छा, ये इस तरह हो गया। इसके साथ ये ओंक्यो का पड़ा हुआ है, ठीक है ठीक है। ये अब ये ब्रांड जापानीज ब्रांड है, ये सारे जापानीज ब्रांड है, ठीक है। अच्छा, इसमें मुझे ये जरा पूछना चाह रहा हूँ, मेरे माइंड में एक सवाल आ रहा है कि ये कुछ रिपेयर वगैरह तो नहीं है? ये इस चीज की गारंटी है, ठीक है, गारंटी इंशाल्लाह, रिपेयर वगैरह नहीं है। जिस तरह ये बाहर से आता है, ये उसी तरह उसी कंडीशन में होता है, जिस तरह कंपनी ने बनाया चीज उसी कंडीशन में। और दूसरी एक और चीज भी आपको बता दूं, जी जी, कि A+ माल है, ठीक है ठीक है। क्योंकि माल में भी फर्क होता है, कि बास तो होता है माल, होता है तो जेन्युइन कंडीशन में है, लेकिन जी वो ये होता है कि अंदर से उसको जंग लगा होता है, धूल मिट्टी से भरा होता है, बारिश का पानी लगा होता है, खराब भी होता वो है, वो जो ना मतलब 10-15-20 दिन चलता है तो वो फिर जंग लगा के वो अंदर से खराब हो, ठीक, ये बिल्कुल साफ सुथरी नजर आ रहा है माशाल्लाह, बिल्कुल फ्रेश माल है ये जी सारा आपके पास। अच्छा, और दिखाएं सर, और इसमें ये यामा के पड़े हैं DTS, ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये नंबरों वाले मॉडल पड़े हैं सारे, ठीक हो गया ठीक है ना। ये AX की सीरीज पड़ी है, इसमें AX में जो ना इसके फंक्शंस बता दें क्या इसको कैसे? ये 5.1 भी होता है, इसमें 7.1 भी होता है, ठीक है, ये मॉडल पे डिपेंड करता है मॉडल कौन सा है, ठीक है ठीक। और इसमें फंक्शन इसमें ये होते हैं कि अगर आप इस पे मूवी अगर देखते हैं तो ये वही आपको 5.1 सिनेमा इफेक्ट देता है, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस होता है आपको सिनेमा का, ठीक है। लेफ्ट की लेफ्ट की वॉइस लेफ्ट में और राइट की राइट में आएगी, बैक की आपको बैक से आएगी, ठीक है। तो बाकी इसकी प्राइस रेंज सर,
प्राइस रेंज इसमें जो ना यामा में ये जो पड़ी हुई है तकरीबन 14,000 में, ठीक है, ये 14,000 का जो आप दिखा रहे थे, अच्छा ठीक हो गया। इसमें फिर मुख्तलिफ ये देखे जी, अच्छा ये मैं आपको बता रहा था कि इसमें फिर जो ना आप अगर म्यूजिक सुनते हैं तो फिर म्यूजिक में भी आपको ये म्यूजिक को कस्टमाइज करता है DTS, ठीक है, उसमें ये होता है कि आपके 5.1 सेटअप लगा होता है, जो सेंटर स्पीकर होता है आपकी LED के नीचे ऊपर लगा होता है, लेफ्ट राइट स्पीकर दो, बैक भी आपके साउंड लगे होते हैं, ठीक है, जो सेंटर स्पीकर होता है उसमें से आपकी क्लियर वोकल आती है जो सिंगर की आवाज है, बाकी सब स्पीकर में से आपको इफेक्ट आएंगे, मतलब इंस्ट्रूमेंट की आवाज आएगी, ठीक हो गया, उसका एक लद एक एक्सपीरियंस होता है, ठीक हो गया, ये सारा ये साथ ही एक सब वूफर भी अटैच हो जाए, ठीक हो गया, पूरा मतलब होम थिएटर बन जाता है, ये यामा में पड़ा है। और इसमें ये रेंज देख लिया आप, माशाल्लाह काफी इनके पास पड़े हुए मॉडल्स, और भी बहुत सारा पड़ा, स्टॉक बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है इनके पास, हर किस्म का हर तरह का मॉडल मिले और भी कसीर तादाद में स्टॉक पड़ा हुआ है, और अगर इससे कम रेंज। अच्छा आसिफ भाई एक बात आपकी काट रहा हूँ, इनके साथ स्पीकर्स भी मिल जाएंगे आपके पास, अच्छी क्वालिटी के जापानी स्पीकर होते हैं, चले वो भी दिखाते हैं अभी और नेक्स्ट दिखाए आपको, क्या बता रहे थे इसमें अगर आपको इससे थोड़ी कम रेंज में चाहिए, ठीक है, ये भी जो था ना ये भी मेड इन जापान है सारी, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको कम रेंज में मिल जाएगा, ये तकरीबन आपको मिल जाएगा 11,000 रुपए में, 11,000 में, ठीक है जी। इसमें ये जो शायद SR की सीरीज पड़ी है, ये 600 है, 700 है, 702 है, ठीक हो गया, ठीक है, उसमें आ गई। फिर ज्यादातर मोस्टली जो लोग हैं वो स्टीरियो इस्तेमाल करते हैं, ये देखिए आप स्टीरियो में ये सारे मॉडल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, ठीक है, इसमें भी मुख्तलिफ प्राइस रेंज है, कैनवुड में पड़े हुए हैं, प्राइस थोड़ी सी 20 बताते हैं, ये जो स्टीरियो है ये तकरीबन स्टार्ट होता है 9,000 रुपए से, 9,000 से, ये सारी इसकी रेंज, ये पावरफुल एम्पलीफायर होते हैं, ज्यादातर लोग बड़े स्पीकर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इनके साथ सपोर्ट करते हैं बड़े स्पीकरों को, अच्छा, और अगर इससे कम रेंज में अगर जाते हैं, ठीक है, और ये फिर नीचे पड़े हैं, इसमें भी जो है ना ये प्रोलॉजिक DTS है जी जी, यामा है, ठीक है, इसमें यामा 2200 है, यामा इसमें A1 भी आता है, इसमें 3090 आता है, मुख्तलिफ लोग पसंद करते हैं, जो सुनने वाले उनको बोलते हैं सीज़ा, जी जी। अच्छा ये बताएं सर, नया कस्टमर भी देख रहा होता है बिल्कुल आपके लिए, जो मतलब ये इसकी प्राइस बता दें क्या आ रही है, यामा ये जो यामा पड़ा हुआ है ये तकरीबन 11,000 रुपए का, ठीक है, 11,000 का जी, ये सारी इसकी रेंज, नीचे पायनियर पड़ा हुआ है, पायनियर की प्राइस बता दें, ये पायनियर पायनियर ये 10,000 रुपए का, ये 10,000 का, अच्छा कुछ साथ के बड़े हैं ये, ये ब्रांड्स ये जो था ये भी बहुत अच्छा ब्रांड है, कहाँ यूएसए का, यूएसए का, जी जी जी, ये बहुत जबरदस्त ब्रांड है और बहुत सारे लोग इसे लाइक करते हैं जी जी। और ये DTS में पड़े हुए हैं, इसमें HDMI भी आते हैं, अच्छा इनकी प्राइस बताएं, हाँ जी ये भी तकरीबन 10 और 11 की रेंज में पड़े, 10 तो 11, ठीक हो गया, ये 10 और 11, ठीक हो गया, और बॉर्डर पाकिस्तान में डिलीवर कर रहे हैं, इंशाल्लाह डिलीवर कर रहे हैं, और ये एक ब्रांड पड़ा हुआ है, इसमें ये हार्मन गार्डन, ठीक है, ठीक है, आजकल लोगों को पता चल गया होगा क्योंकि मशहूरी भी आ रही है, ठीक है, वो LED में स्पीकर इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा ब्रांड है, ये कहाँ हार्मन गार्डन, ये भी जापान है, ठीक है, प्योर जापानीज है, प्योर जापानीज है, ठीक है, अच्छा इसकी प्राइस बताएं, ये हार्मन गार्डन 12,000 रुपए का, 12,000 का, हाँ जी 12,000 रुपए का, इसमें फिर आती है मुख्तलिफ कंपनियां, नाका मिशी भी है, बहुत सारे काफी चीजें आती है बस जी। आसिफ भाई और दिखाए, हाँ जी भाई बाकी ये देखें, और भी हमारे पास हैवी सिस्टम पड़े हुए हैं बहुत सारे जी जी, ठीक है, DTS में भी बड़े मॉडल्स आते हैं हमारे पास, ठीक है, ठीक है, बड़े मॉडल, फिर कुछ लोग यूज करते हैं कमर्शियल, जैसे रेस्टोरेंट होटल वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया, वो सिस्टम भी पड़े हुए आपके पास, वो सिस्टम भी होते हैं हमारे पास, जैसा ये नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है, ये देखिए इसको जूम कर ले, ठीक है, अब ये पड़ा है, इसमें ये क्वालिटी है कि आप जो है इसको लैदा लैदा इनपुट दे के लैदा लैदा रूम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग वो स्पीकर लैदा इस्तेमाल करने होते हैं, उन्होंने फिर वो इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, उसके स्विच लैदा बनवाते हैं, अच्छा इसमें ऑप्शन दी हुई है, जेन्युइन इसमें ऑप्शन होता है, ठीक हो गया, ठीक है, फिर आप इसमें वायर्स जितनी मर्जी लंबी करके ले जाएं, ठीक है, उसकी कोई जो था ठीक हो गया, अच्छा और दिखाएं सर, और अगर उसमें अगर आप लोग जिनकी होती है कम प्राइस रेंज, ठीक है, ठीक है, जिन्होंने सिंपल LED के साथ लगाना जी जी, फिर उनके लिए आप बुक शेल्फ स्पीकर लगा लें, दो स्पीकर साथ, और ये मिनी साइज में होते हैं, एम्पलीफायर छोटे, अच्छा हैं, ये पड़ा हुआ है कैनवुड में पड़ा है OQ, अब ये लेटेस्ट मॉडल में छोटे साइज में, ये देखिए इसमें USB भी लगती है, ठीक है, ठीक है, इसकी प्राइस रेंज बताते हैं साथ साथ, प्राइस रेंज जो कैनवुड पड़ा हुआ है ये 3,000 रुपए में मिलेगा, ठीक है, और इसके नीचे, इसके नीचे जो OQ पड़ा हुआ है ये आपको मिलेगा 4500 का, ये 4500 का, ठीक है, इसके साथ स्पीकर अगर ये भी पड़े हुए हैं, प्लीज इनकी भी बता दें, हाँ जी ये विक्टर का पड़ा हुआ है, ये आपको 3500 का मिलेगा, ठीक है जी, अच्छा ये कम रेंज वालों, अच्छा इसके साथ ये कह रहे हैं, इसके साथ ये बुक शेल्फ स्पीकर पड़े हुए, ठीक है, ठीक है, ये सारे जो है आप इनके साथ लगा सकते हैं, बड़े भी लगा सकते हैं, लेकिन ये जरा डिसेंट लगते हैं घर में पड़े हुए, ठीक है, ये कैनवुड में पड़ा हुआ, अच्छा प्राइस बता दें, जैसे ये वाला प्राइस रेंज
ये जो कैनवुड में पड़ा हुआ है ये पेयर 5000 रुपए का, ठीक है, ठीक है, और ये जो पड़े हुए 7 जो पेयर पड़े ये 4500 की रेंज में, बाकी सिल्वर और ये ब्राउन स्किन इसी रेंज में आ रहे हैं। अच्छा, ये पड़े हुए ये भी बुक शेल्फ में आ जाते हैं। ऑफ वाइट सा कितने का ये वाला सोनी का? ये सोनी का ऑफ वाइट 4500 का। इसके नीचे ओंकियो का पड़ा है 5000 के, ठीक है, ये हटा ले बेशक आप देख ले, ये ओंकियो का, ठीक है, ठीक है ना, ये ओंकियो के बड़े मॉडल है स्पीकर, ये बड़े कैनवुड पड़े हैं, बड़े मॉडल्स की भी बताते हैं प्लीज। फिर उसके बाद ये स्पीकर पड़े हुए सामने, ठीक है, ये हैवी स्पीकर है सारे, ये सिल्वर वाले, बेस और साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी। हाँ जी, सिल्वर है ये नीचे पड़े हुए। अच्छा, ये किस कंपनी के सिल्वर वाले? ये नीचे जो पड़े हैं सोनी के, ये देखे नीचे, ये नीचे अगर हैवी स्पीकर में डेटोन के स्पीकर है, ठीक है, और ये बहुत हैवी स्पीकर है, इनकी बेस साउंड क्वालिटी क्लैरिटी बहुत जबरदस्त। अच्छा, इसकी प्राइस बता दें ब्राउन वाले की? ये जो ब्राउन वाला है ये तकरीबन 12000 रुपए का ये वाला पेयर, और ये सोनी का? सोनी की भी यही प्राइस रहे 12000। हाँ जी, नीचे कैन बोर्ड, ठीक हो गया, ये ऊपर पड़ा है ओंकियो के ऐसे, ठीक है, ऐसे ये वाला। हाँ जी, ओंकियो, हाँ जी जी। अच्छा, ये बड़े साइज का स्पीकर है? जी जी। अच्छा, इसकी प्राइस बड़े, ये काफी बड़ा साइज लग रहा है, ये तकरीबन 12000 रुपए का, 12000 का, ठीक है। पैनासोनिक का ये साथ पड़ा है, पैनासोनिक भी ये प्राइस रेंज है, ठीक हो गया। इसमें मुख्तलिफ आते हैं, इसमें लिवरपूल भी आते हैं, ऐसे पड़ा हुआ है ये बता दें, और इसके नीचे ये भी ओंकियो ऐसे पड़ा हुआ है, ये तकरीबन 13000 रुपए का पेयर है, 13000 का, ठीक हो गया। इसके नीचे ओंकियो पड़ा हुआ है, जी जी, ये मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत प्यारा पेयर है ये, ठीक है, ये कितने का? ये 12000 रुपए का, ये भी काफी जबरदस्त चीज है, बिल्कुल, और सारा लॉर्ड का माल है, ये लॉर्ड का माल है, ओरिजिनल लॉर्ड में आता है, जापानीज और अमेरिकन सारी ब्रांड्स हैं, सारा हमारे पास, ठीक हो गया सर। इसमें सारी हर किस्म की वैरायटी पड़ी है स्पीकर, जी जी, इसमें भी मिल जाएंगे आप, जी जी जी। आसिफ भाई, हाँ जी, ये दिखा दिया मैंने आपको सारा, ठीक है, और ये सारे अगर मैं आपको एक एक दिखाता जाऊँ तो हो सकता है कि दो दिन लगे, बिल्कुल बिल्कुल, एक एक मॉडल तो बता नहीं सकता, हाँ पॉसिबिलिटी नहीं है, ये जो भी है जो रापता करेगा कस्टमर व्हाट्सएप पे मुझे कॉल करें, जी जी, ठीक है, और उनको मैं गाइड भी करूंगा और रिकमेंड भी कीजिएगा, जिनको नहीं पता स्पेशली उनको रिकमेंड भी करेंगे कि कौन सी मशीन उनके लिए सुटेबल होगी, कौन सी मशीन। अच्छा, इधर भी कुछ चीजें पड़ी हुई है, इसके बारे में प्लीज बताएं। हाँ ये बता देता हूँ, अब ये उससे हट के ये जो माल पड़ा हुआ है जो आम रनिंग में जो चलता है, जी जी, अब इसमें जो ये जो पड़े हुए इसमें ये 5000 6000 7000 मतलब 5 6 और 7 की रेंज में जो ये एम्पलीफायर पड़े हैं, ये भी सारे 5.1 LTS। अच्छा, इम्पोर्टेड है सारे? हाँ जी, सारे इम्पोर्टेड है, ये भी लॉट का माल है, ठीक है, देखिए ये वो माल है जो आम मार्केट में रनिंग में चलता है, ठीक हो गया, जो आपको थोड़ी कम प्राइस रेंज में ये, हाँ ये कम प्राइस रेंज में, इनकी प्राइस रेंज कुछ बता दें हाथ रख के ताकि आइडिया हो जाए। हाँ जी, ये तकरीबन ये पड़ा हुआ है सामने सोनी का, ये आपको 6000 का मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है, ब्लैक वाला ये 7 सोनी का, ये भी आपको ये तकरीबन 6500 रुपए में ये भी मिल जाएगा, ठीक हो गया। ये पड़ा हुआ है 7 5500 रुपए का सोनी का आपको मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है, जेन्युइन कंडीशन में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये स्पीकर पड़े हुए ऊपर बड़े स्पीकर, हाँ ये सोनी के पड़े हुए 8 इंच में, इसके साथ पड़े हुए डायटोन है 8 इंच में, फिर इससे हाँ जी, इसकी प्राइस बताएं? ये डायटोन का तकरीबन ये पेयर है 8000 रुपए का, ये 8000 का पेयर हो गया, ठीक है। अच्छा, सोनी का भी आप बता रहे थे, ये वाला बताया आपने, इसकी प्राइस भी बता, ये 9000 रुपए का, ये 9000 का, ठीक है। ऊपर ये लगे हुए बड़े मॉडल लगे हुए 10 इंच में, ठीक है, ठीक है, ये पायनियर का लगा हुआ है, ये भी जेन्युइन, हाँ जी जी जी, ये जो इसकी प्राइस रेंज है तकरीबन 16000 रुपए का पेयर है, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट ये जो, हाँ जी, नेक्स्ट ये जो 7 पड़ा हुआ है ये 15000 रुपए का पेयर है, ठीक है, ये काफी मॉडल, आगे पैनासोनिक जो लगा, पैनासोनिक पड़ा हुआ है, पैनासोनिक जो लगा हुआ है ये भी 16000 रुपए का, 16000 का, ठीक है। कुछ ये व्हाइट वाला ये कितने का सर? व्हाइट वाला ये आपको मिल जाएगा 4000 रुपए का, 4000 का, ठीक हो गया जी भाई। और ये वाला, ये आपको मिल जाएगा 8000 रुपए। अच्छा, ठीक हो गया, हाँ जी। बाकी ये लगे हुए सामने, ये भी बुक शेल्फ स्पीकर पड़े हुए हैं, ठीक है, ठीक है, और मिनी साइज में एम्पलीफायर पड़े हुए हैं, ठीक है, ठीक है। ये वही जो मैंने आपको बताया था कि जिस बंदे ने एलईडी के साथ सिंपल लगाना है, अपनी साउंड क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, जी जी, ये उसके लिए होता है। अच्छा, प्राइस रेंज बताएं, ये बहुत जबरदस्त चीज है। हाँ जी, ये जो एम्पलीफायर पड़े ये 3500 रुपए का, 3500, ठीक हो गया। ये मतलब अपने घर में जो एलसीडी रूम में यूज कर रहे हैं, एलसीडी में, हाँ जी, उनमें आप यूज कर सकते हैं। इससे भी आपकी जो साउंड क्वालिटी बहुत ज्यादा लाउड हो जाती है, ठीक है, अच्छी हो जाती है, बहुत जबरदस्त। और ये कैनवुड का ये है, हाँ जी, कैनवुड का पड़ा है, साथ डेनन है, सोनी है, सारे हर ब्रांड हर कंपनी में मिलेगा आप, ठीक हो गया सर, ठीक है। ये सारी आपको मैंने प्राइस नहीं, और हाँ एक और चीज मैं आपको जो लास्ट में भी आपको मैं बता दूं, हमारी कुछ भाई हैं, मतलब कि उनकी वीडियो वगैरह भी होती हैं, तो हमारा काम बनता है कि जिस बंदे को नहीं इस चीज का पता, हमारा काम है कि उसको बताएं, उसको समझाएं कि क्या चीज है। बिल्कुल बिल्कुल,
ये नहीं कि अब मैं कोई कस्टमर मुझसे पूछे क्या तो मैं उसको कहूँ नहीं यार ये चला है तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चला। अगर मुझे नहीं पता तो मेरा काम नहीं बनता कि मैं अगले बंदे को गलत गाइड करूं। सही बात है। मैंने कुछ ऐसे भाई भी हैं जो कहते हैं जी कि जो DTS है जी चला तो चल गया, ना चला तो ना चल गया, आगे बस चेक दें सारे। मतलब कि जब तक आप लोगों को अवेयरनेस नहीं देंगे आपका काम है लोगों को टेक्नोलॉजी में आगे लेके जाना, आप उनको पीछे की तरफ ही लेके जा रहे हो। बस दोस्त निकल गए, आपको काम है लोगों को समझाना कि 5.1 है ये फैक्ट है, क्योंकि आजकल वो दौर नहीं रहा कि लोग बड़े बड़े स्पीकर घर में रख के बैठे। आजकल ट्रेंड है छोटे छोटे स्पीकर आप जो वॉल माउंट करें उसके साथ एक सब वूफर लगाएं, ठीक है। बिल्कुल। और जो DTS होता है ये प्रॉपर साउंड देता है, ठीक है। इसमें जो आपकी क्लैरिटी हर चीज इसमें क्लियर होती है और इसमें प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। प्रोटेक्शन इस तरह की आपकी कोई भी वायर है कोई जुड़ गई आपस में, ठीक है, कोई बिजली की शॉर्टेज होगी कुछ भी, ये ट्रिप कर जाता है। सबसे पहली बात ये होती है इसमें प्रोटेक्ट करता है। दूसरा DTS में होता है कि आपको सिनेमा इफेक्ट देता है, ठीक है, सिनेमा के एक्सपीरियंस आपको देता है 5.1 में। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।